पुलिस अधीक्षक झाबुआ अरविंद तिवारी द्वारा कोतवाली में वाहन चोरी की घटना को लेकर थाना प्रभारी संजय राउत को वाहनों को ट्रेस कर आरोपियों को पकड़ने के सख्त निर्देश दिए थे। थाना कोतवाली पुलिस और क्राइम टीम लगातार चोरी किए गए वाहनों में आए सीसीटीवी फुटेजों के आधार पर तलाश कर रही थी। बाहरी जिले के चोर आने की सफलता नहीं मिल रही थी। कोतवाली क्राइम टीम को दिनांक 2/6/2022 को मुखबिर द्वारा बताया गया कि 6-7 लोगों की टीम बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए काकड़कुआ हसलवड़ टांडा धार के लोग अलग अलग मोटरसाइकिलों से मय हथियार के पास झाबुआ की तरफ निकले हैं। मुखबिरों की सूचना पर थाना कोतवाली और क्राइम टीम हुलिया छुपाकर घात लगाकर नजर बनाए हुए थे। रात्रि 12 बजे के आसपास पारा रोड के तरफ से मोटरसाइकिलों से आते दिखे और आनस नदी की पुलिया के नीचे प्लान करते दिखे। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी की और दबिश देकर घेराबंदी कर 3 लोग पकड़ने में सफलता प्राप्त की। वहीं अन्य 3 लोग भाग गए। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।